नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस में। रखे आपको सबसे आगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लूसेंट में विविध अपन लोग कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने अगर आप नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। तो फर्स्ट में हमने यहाँ तक कवर कर लिए थे प्रथम महिला मेयर से ऊपर वाले, ठीक है। तो देखो, मेयर को कैसे याद करेंगे आप, प्रथम महिला मेयर, मेयर ऐसे लग रहा है चेयर, तो देखो चेयर, चेरियन, चेयर, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ना, तो बस इतना काफ़ी है आपको याद करने के लिए। अगला देखते हैं, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा किसी की कम नहीं होनी चाहिए, तो कम नहीं, काम ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग साथ के साथ याद करते चलिए। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेट है, उसको टेस्ट को आप लोग लगाइए और देखिए आपको कितना याद है कितना नहीं है, ठीक। तो मेयर चेयर तारा चेरियन, और प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा और स्नातक। तो प्रतिष्ठा में तो काम ही नहीं रहा है, तो कम नहीं, प्रतिष्ठा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रथम महिला स्नातक, इसमें दो कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, ठीक है। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं अभी आगे ट्रिक बताऊंगा इसकी। सब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिजिशियन, प्रथम महिला फिजिशियन कौन है। देखो फिजिशियन और सर्जन, तो सर्जरी का मतलब क्या है, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है उसको काट के अलग कर देना, फिर उसको दोबारा से सर्जरी कर देना, सही कर देना, यही तो सर्जरी है। तो सर्जरी समझ लो काय की सर्जरी, मुख की, मतलब फेस की सर्जरी। तो सर्जरी ध्यान रखना, प्रथम महिला सर्जन है तो उसके नाम में मुख आएगा, मुख। और फिजिशियन है, तो फिजिशियन मतलब फिजिकली कोई फिट होगा तो आनंद अलग होगा उसका, और जोश भरा होगा वो व्यक्ति, और अगर फिजिकली फिट नहीं है कोई तो फिर वो पूरा प्रॉपर आनंद नहीं ले पाएगा अपनी ज़िंदगी का, ठीक है ना। तो फिजिशियन यानी सर्जन तो याद हो गया, सर्जरी का आएगी मुख की, और फिजिशियन फिजिकली फिट होगा तो आनंद और जोश से भरा रहेगा। अब देखो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, तो देखो रेलवे की जो ट्रैक होती हैं ऐसी सीधी पटरी होती हैं, होती हैं कि नहीं, तो एक रेखा ही तो होती हैं, तो सुरेखा, रेखा, तो नाम में रेखा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। तो वायुसेना में जब प्रथम महिला पायलट बनी तो उन्होंने जब वायुयान उड़ाया तो नीचे बहुत हरियाली देखी, तो नाम में हरियाली आएगा, हरिता कौर दयाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लूसेंट की पूरी मैंने कवर करी है बहुत ही फनी ट्रिक के साथ, आप सिर्फ एक बार वीडियो देखेंगे आपको 100% याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम महिला पायलट एयर बस पायलट। तो एयर और बस, अब इसको कैसे याद करेंगे आप एयर बस को, एक मिनट, मतलब एयर माने हवा, हवा में बस उड़ानी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, हवा में बस कैसे उड़ जाएगी, हवा में बस उड़ानी है तो कोई आसान काम तो है नहीं हवा में उड़ाना बस, तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए हमें। एनर्जी क्यों, क्योंकि कोई टीला वगैरह होगा उस पे से अगर बस को उलाया जाए तभी वो हवा में उड़ेगी, नहीं तो नहीं उड़ेगी, तो उसके लिए बहुत क्या स्पीड में गाड़ी होनी चाहिए, और स्पीड में गाड़ी होगी तो फिर एनर्जी चाहिए, बहुत ईंधन खर्च होगा उसमें, ठीक है ना। तो एयर बस यानी एनर्जी, ठीक। लेफ्टिनेंट, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट। तो लेफ़्ट माने क्या होता है इंग्लिश, लेफ़्ट माने होता है छोड़ना, तो छोड़ने का मतलब रास्ते में अगर कोई रोड़ा पड़ा हुआ है तो उसको हटा देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो लेफ़्ट माने छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, अरोड़ा, रोड़ा, अरोड़ा, पुनीत अरोड़ा, ठीक है। अगला देखो, एयर वाइस मार्शल, एयर हवा, वाइस, वाइस 22, मार्शल, मार्शल आप लोग जानते होंगे टाटा सुमो जैसी जो गाड़ी आती थी वो, तो हवा में 22 मार्शल गाड़ी उड़ानी है तो बहुत सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा 22 मार्शल गाड़ी उड़ाने के लिए, और एक बस उड़ानी है खाली हवा में तो क्या करना पड़ेगा, ईंधन ज़्यादा खर्च होगा तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है ना। तो याद हो गया आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो इंडियन एयरलाइंस का कोई विमान है उसमें चेयर पर कोई पर्सन बैठा है, तो चेयर पर बैठने वाला था सॉरी, तो क्या हुआ कि उस चेयर पे चावल पड़े हुए थे, काय के चावल, समा के चावल, समा चावल, सुषमा चावल, ठीक है ना। तो ऐसे याद आ जाएगा, समा के चावल जानते हो ना जो व्रत में खाए जाते हैं वो वाले, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो अंतरिक्ष में जाने की किसी ने कल्पना नहीं करी थी, तो कल्पना चावला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर, तो आस्कर, ऑस्कर मतलब आस्कर, तो किसी ने आस तो सब कर रहे हैं कि भानु मतलब सूर्य पे जाने की, लेकिन कोई जा नहीं पाएगा, जल के राख हो जाएगा अगर उसके आसपास भी कोई लाखों करोड़ों हजारों किलोमीटर पास भी अगर कोई जाएगा तब भी वो जल के भस्म हो जाएगा। तो आस कर रहे हैं कहाँ की, भानु पे जाने की, भानु मतलब भानु अथैया। ठीक, भानु मतलब क्या है, सूर्य, भानु पर्यायवाची दो सूर्य का। अगला देखो, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, तो एशिया में ध्यान रखो कमल खेला है, हमारे एशिया में कमल खेला, तो एशियाई खेलों में जब भी आए तो ध्यान रखना एशिया में क्या खेला, कमल, जो बेहतरीन वाला फूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली महिला, तो ये होती है हमारी पृथ्वी इस तरीके से गोल, तो ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव पे यहाँ तो पहुंचना आसान है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने के लिए बहुत सारा कौशल चाहिए, दिमाग, बुद्धि, विवेक, कौशल की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौशल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे कौशल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सात प्रमुख सागर तैर के पार करने वाली पहली महिला, तो सात प्रमुख सागर तैर के अगर कोई पार करेगा, मान लो दो पर्सन बात कर रहे हैं कि उस लेडी ने सात प्रमुख सागर तैर के पार कर दिए, तो सात प्रमुख सागर तैर के पार करना कोई आसान बात तो है नहीं, तो एक बोल रहा था ऐसे कि उसने पार कर दिए, तो वो दूसरा बोला कि बुला उसको, कौन है बुला, तो बुला मतलब बुला चौधरी। ठीक है, तो सात प्रमुख सागर तैर के पार किए थे, तो क्या बोला था, बुला चौधरी को, बुला चौधरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोभी रेगिस्तान, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर पैदल चलना भी बहुत कठिन होता है, तो अगर गोभी रेगिस्तान जिसने पार किया होगा उसने कड़े रूप से और मन में ठान लिया होगा, तो कड़े और ठान मतलब ठान, कड़े रूप से निर्णय लिया होगा और ठान लिया होगा मन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, तो महिलाओं की महासचिव, तो महिलाओं की तरफ से महान, महान और सच्ची चीज़, तो महिलाओं में महान और सच्ची चीज़ क्या है, माँ, माँ देवी के समान होती है। ठीक है, तो माँ देवी, रमा देवी। ठीक, प्रथम महिला महासचिव, महा और सच्ची चीज़, तो महान सच्ची चीज़ कौन है, माँ देवी के अनुसार। ठीक है, मतलब माँ देवी के रूप में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री, तो अभिनेताओं में आपने एक अभिनेता का नाम सुना होगा संजय दत्त, तो वही अभिनेत्री के नाम में भी दत्त है, नरगिस दत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका आपने सुना होगा कि उस पर बहुत सारी बर्फ़ है, बहुत सारी बर्फ़ क्या, पूरा जो महाद्वीप है अंटार्कटिका वो पूरा का पूरा बर्फ़ से ही ढका हुआ है, तो वहाँ पर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, तो उस पर मतलब भगवान की कृपा होगी, मेहर होगी, मेहर माने क्या होता है, कृपा, पर्यायवाची में होता है कृपा मतलब मेहर बोलते हैं ना, उनकी मेहर होगी, तो किसी की मेहर होगी भगवान की, तभी वो वहाँ पर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, साहित्य अकादमी देखो कैसे याद करो, अकादमी मतलब एक आदमी, एक आदमी किन का आदमी, अमृता का आदमी, तो अमृता का आदमी है वो अपने आदमी से क्या कहती है, प्रीतम, आदमी मतलब पति, पति से क्या बोलती है, प्रीतम। ठीक है, साहित्य अकादमी तो ध्यान रखना, अकादमी मतलब एक आदमी, किसका, अमृता का, तो अमृता का आदमी मतलब अमृता का पति, पति है तो उसको बोलती है प्रीतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली, तो ओलंपिक में भाग लेना, वो ओलंपिक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें भाग लेने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, यानी लीला, भगवान की लीला ही है जो किसी को इतने सारे देशों के बहुत सारे दावेदार होते हैं, बहुत सारे देशों से आते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को ही स्वर्ण पदक मिलता है। ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर खेल में, तो मतलब यह भगवान की लीला होगी उसी को मिलेगा वो, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री, तो सिनेमा, जब भारतीय सिनेमा पहली अभिनेत्री हुई होगी, तो उस टाइम पे क्या राजा महाराजाओं के नाटक आते होंगे,
मतलब देवी के नाटक और रानी के नाटक, ठीक है। क्या आते होंगे, पहली अभिनेत्री है तो पहली अभिनेत्री बनी होगी, तब देवी के और रानी के नाटक आते होंगे या फिल्म आती होगी, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो महिला आयोग जब बना था तो जयंती निकाली गई थी उनकी, कहाँ, बिहार की राजधानी, कहाँ है बिहार की राजधानी, पटना, तो पटना जयंती निकाली गई पटना में, तो जयंती पटना एक, कब, जब महिला क्या बना, महिला आयोग बना था, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला कौन है, जयंती पटनायक। अगले आगे बढ़ते हैं, दूरदर्शन समाचार वाचक, तो पहले दूरदर्शन ही एक चैनल था, तो और सारे चैनल तो आते नहीं थे, डिश नहीं थी पहले, तो दूरदर्शन पे अगर न्यूज़ वगैरह आती तो पूरी हेडलाइन सुननी पड़ती थी पूरी, तो प्रतिमा पूरी, ठीक है, याद हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला, तो ओलंपिक में भी, ओलंपिक बैडमिंटन और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप दोनों में अगर कोई लेडी कुछ जीत रही है अगर, तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उसे क्या ग्लूकोज पीना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज पीना पड़ेगा, तो पी से एक ही नाम है, चार ऑप्शन में देखोगे आप तो PV सिंधु, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक बैडमिंटन, अब ऊपर हमने पढ़ा ओलंपिक बैडमिंटन में रजत और विश्व बैडमिंटन दोनों जीते थे PV सिंधु ने, और सिर्फ ओलंपिक बैडमिंटन की बात करी जाए कांस्य पदक, तो क्या साइना नेहवाल, अब इसको कैसे याद करेंगे, सिर्फ ओलंपिक में जीता उसने तो सिर्फ ऑटोग्राफ लिया, साइन, ठीक है, साइन मतलब साइन सिग्नेचर होते हैं ना वो, और जब दोनों जीतेगी तो क्या एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए PV सिंधु, कुछ ना कुछ रिलेट करना पड़ेगा तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। तो आप लोग थोड़ा सा बस मैं जो बता रहा हूँ वो माइंड में पिक्चर बनाते चलिए, आपको 100% याद होगा। तो ओलंपिक और बैडमिंटन दोनों में जीती थी तो पी एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, और सिर्फ ओलंपिक में तो ऑटोग्राफ लिया, तो ऑटोग्राफ मतलब साइन करे थे साइना नेहवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महिला कुश्ती, ओलंपिक में और महिला कोई कुश्ती में जीती होगी तो उसके तो बहुत सारे साक्षी होंगे, गवाह होंगे उस पर्टिकुलर उस चीज़ के, क्योंकि महिलाएं कुश्ती में जीतना बहुत टेढ़ा है, तो महिला कुश्ती में जीती होगी तो उसके बहुत सारे साक्षी होंगे उसके उस जीत के, यानी गवाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुक्केबाजी, ये मान लो ये थैला है, इसमें कंकड़ भरे हुए हैं बहुत सारे, और कंकड़ में कोई मुक्का मार रहा है, तो मुक्का मारेगा तो कंकड़ में, कंकड़ से भरे थैले में तो खून निकलेगा, तो कोई लड़का मार रहा था इसमें तो खून निकल आया है, तो उससे बोला किसी ने कि मार कम, मतलब मुक्का मार कम, तो मार कम मेरी कम, ठीक है। तो मुक्केबाजी मुक्का मार रहे थे किसमें, थैले में, तो क्या बोला था, मार कम मतलब मुक्का मार कम, ठीक है, तो मार कम मेरी कम, चार ऑप्शन में से आप इजीली पिकआउट कर पाएंगे। प्रथम महिला विदेशी सचिव, महिला विदेश में सचिव बनी थी तो वो चौक से पूरा का पूरा समझाती थी, कैसे चौक से, महिला विदेश सचिव बनी थी तो वो मतलब जो भी अब उनके अंडर में रहते थे उनको चौक से बोर्ड पर समझाती थी, या फिर यहाँ पर कोई चीज़ भेजनी होती थी तो वो चौक के थ्रू समझाती थी, तो चौक से चौकीला ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट में, तो दोहरा शतक जब बनाएगा कोई तो तालियाँ बजेंगी कि नहीं बजेंगी, तो ताली से मिताली राज। आगे बढ़ते हैं, जिम, तो जिम जब करते हैं तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो कहते हैं ना कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो कर्म करोगे आप तो ऑटोमेटिकली जिम में अगर कर्म करोगे मतलब ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो अच्छी बॉडी बनेगी आपकी, तो जिमनास्टिक मतलब जिम में क्या करना है, कर्म करना। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की सदस्य बनना कोई आसान बात नहीं है, तो वो वही बन सकता है जो सबसे बड़ा पैसे वाला होगा यहाँ का, तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले कौन है, ओला अंबानी जी हैं, तो अंबानी की बीवी नीता अंबानी, ठीक है ना, तो वो हैं इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली महिला, तो 100 विकेट का मतलब है 100 में देखो आगे आ रहा है एक, तो बचपन में हम लोग खेलते थे तो बोलते थे जो फर्स्ट नंबर पर होता था इल्ली दुल्ली तिल्ली चौल्ली करते थे, तो एक का मतलब इल्ली, तो इल्ली इदुल जी इल इल
ये ला रहा है। तो थोड़ा बस आप नाम में अगर थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो आप इजीली पिकआउट कर पाओगे, नहीं तो सबको बिना ट्रिक के रटन पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ऐसे ही याद करे थे और जिस तरीके से मैंने अपने सिलेक्शन लिए हैं उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। डब्ल्यू टी ए है तो हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू ए टी, डब्ल्यू ए टी, तो वाट, डब्ल्यू टी ए की जगह हम लिख रहे हैं डब्ल्यू ए टी वाट। तो वाट लग जाएगी जब अगर कोई मर जाता है, मर जा, मर जा मतलब मर जा, अगर कोई मर जाए और उसका साया आपके पीछे पड़ जाए तो वाट लगेगा, वाट लगा देगा वो आपकी, ठीक है। तो वाट कब लगेगी, जब मर जाएगा कोई और उसका साया पीछे पड़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पूरा, ये भारत में प्रथम महिलाएं हैं जो विभिन्न विभिन्न पदों पर, वो हमने याद कर लिया है। अब बारी आती है टेस्ट की, तो चलिए फिर टेस्ट शुरू करते हैं और आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं, और आपको कमेंट में भी वो सारे के सारे जितने आप सही कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आपको याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहले वीडियो के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखें, और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम महिला सर्जन, पहली महिला सर्जन कौन सा है? तो सर्जरी की मैंने क्या बोला था, मुख की सर्जरी, यही तो बताया था, तो मुख की सर्जरी यानी तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, तो आस्कर, आस किसकी बताई थी मैंने, कर काहे की, सूर्य पे जाने की, तो सूर्य का कौन सा ऑप्शन है इसमें, भानु, भानु माने सूर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सात प्रमुख सागर तैर के पार किए थे, तो क्या बोला था उसने, भोला चौधरी को, तो भोला चौधरी यानी सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन समाचार वाचक, तो दूरदर्शन जब सुनते थे तो एक ही चैनल था, तो पूरी हेडलाइंस सुननी पड़ती थी, तो पूरी हेडलाइंस मतलब प्रतिमा पूरी। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में दोहरा शतक, जब दोहरा शतक कोई लगाएगा तो क्या होगा, ताली बजेंगी, मिताली राज। आगे बढ़ते हैं। आप इजीली पिकआउट कर पाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% इन क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे होंगे। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये पहले वाले का पहले वीडियो का है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तब इसमें आप लोग इस वीडियो के कमेंट में आप लोगों को लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली महिला सत्र न्यायाधीश, ये भी फर्स्ट वीडियो का है, तो आप पहले वो देखिए फिर इस टेस्ट को लगाएं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर क्या है। भारत की वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, तो वायुसेना में जब कोई शामिल हुई थी तो क्या हरियाली दिखाई दी थी उन्हें ऊपर जब पायलट बनी थी, तो ठीक है, तो हरियाली मतलब हरिता कौर दयाल। आगे बढ़ते हैं। नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार ये भी फर्स्ट वीडियो का है, तो आप देख लीजिए, आंसर बता ही दूँ क्या, चलो आप लोग कर लेना, ठीक है। नोबल पुरस्कार, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, ये भी मैं उसी में करा चुका हूँ, तो जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में कराए थे वो तो आपने कर लिए होंगे, अगर जो नहीं, सॉरी, इस वाले वीडियो में जो नहीं थे वो आपको पहले वीडियो में मिलेंगे, तो पहले आप उसको वीडियो को देखें उसके बाद इस टेस्ट को लगाएं, तो आपको 100% अच्छे से फ़ायदा होगा और आपको लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से किया है कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर बेहतर से बेहतर ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।